हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। जो भी हमारे बच्चे पेड बैच में हैं उन्हें पता है कि हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है फॉर CUET 2024 वो कंप्लीट हो चुका है और आज से हम कुछ प्रैक्टिस सेशंस धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेशंस हैं आपके वो बनाए गए हैं बिल्कुल जो आपका एग्ज़ाम होता है उसी के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर, ठीक है। पैटर्न भी कुछ कुछ वैसे ही हैं और जो लेवल है क्वेश्चंस का वो भी आपके CUET के हिसाब से ही बनाया गया है, ठीक। तो अभी कुछ बच्चे और होंगे जिन्हें अभी पढ़ना है, जो जिन्होंने अभी CUET की तैयारी भी नहीं शुरू की है, ओके। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका सिलेबस इस बैच में कवर किया जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश का तो हो चुका है तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। और ये बैच अगर आपको परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन हैं, ठीक। तो साथ में चलिए सॉल्व करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आता है आपका। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? बिल्कुल मॉडल पेपर है, जो आपका पैटर्न है, क्वेश्चन का लेवल है, CUET के हिसाब से ही रखा गया है। क्वेश्चन नंबर वन कहता है, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू। वर्ड क्या है आपका? एस्परगस, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा एग्जाम में तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ोगे, आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। ऑपोजिट पूछ रहा है या सिमिलर पूछ रहा है, आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है या सिनोनिम पूछा जा रहा है, ये बातें बहुत ध्यान देने वाली होती है। कभी कभी आप क्या करते हो ना कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हो, ऑपोजिट पूछ रहा है और आप सिनोनिम लगा के चले आते हो, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड लगा के चले आते हो, तो आपका वहाँ नंबर कट जाएगा, ओके। तो शब्द क्या है आपका? स्पर्यस। और आपसे कह रहा है स्पर्यस का उल्टा बताइए ये चार ऑप्शंस में से, कैसे बताएंगे? तो इसके लिए पहले आपको स्पर्यस का मीनिंग पता होना चाहिए। स्पर्यस का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्पर्यस अगर कोई चीज है तो कैसी है? जाली है, ओके। नकली है, कैसी है? फेक है। कोई चीज कैसी है? फेक है। या फिर कैसी है? अनऑथेंटिक है, अनऑथेंटिक है, ठीक। जैसे आप गए गर्मियों के टाइम में, कहाँ जाते हैं? तरबूज लेने जाते हैं। बाहर से देख रहे हैं बिल्कुल हरा हरा तरबूज है, बहुत ही हेल्दी तरबूज दिख रहा है और आप लेके चले आए कि अब तो मज़ा आ जाएगा खाने में। जाके उसको काटा तो पता चला अंदर से लाल नहीं, पूरा सफ़ेद है। अब आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा कि लाल है, पूरा ठेला लाल है, कैसे कहोगे, है ना। तो जब आपका तरबूज ही सफ़ेद है यानी कैसा है? स्पर्यस है, फेक है, अनऑथेंटिक है, ठीक। तो अब उसका उल्टा कैसे खोजोगे? ऑप्शंस में एक बार देख लेते हैं। पहला आता है ग्रैचुअस। ग्रैचुअस क्या होती है? कोई भी माल जो आपको फ्री में मिल रहा है वो क्या है? ग्रैचुअस। बेवजह ऐसे दिया जा रहा है, क्या है? ग्रैचुअस है, ठीक है। जेन्युइन क्या होता है? आपका कंसर्न बहुत जेन्युइन है, आपकी प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, मतलब रियल है, ठीक है। हो सकता है फेक का आपको उल्टा रियल यहां दिख गया, लेकिन बाकी जो दो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। अगला शब्द है ग्रेशियस। ग्रेशियस क्या होता है? अगर आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के ऐसे बात करते हैं, आपकी विनम्रता है ये, ठीक है। तो ग्रेशियस का मतलब क्या होता है? पोलाइट बिहेवियर आपका, ठीक है। अगर आप पोलाइट हैं, कैसे हैं? ग्रेशियस हैं, हाथ जोड़ के सबसे मिल रहे हैं, ठीक है। आपकी ये मॉडेस्टी है, ओके, ये सारा हो जाएगा। उसके बाद आता है जीनियल। अगला शब्द ग्रेशियस। ग्रेशियस क्या होता है? वैसे सॉरी ये थोड़ी सी एरर हो गई, दो नंबर नीचे आ गया, तीन नंबर ऊपर आ गया, लेकिन खैर हमें नंबरिंग से क्या मतलब है, हमें बस ऑप्शन देखने, ठीक है। ग्रेशियस क्या होता है? अगर आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, किसी के साथ बहुत विनम्र हो, हाथ जोड़ के बात कर रहे हो, अरे भैया आइए आइए, बहुत ही विनम्रता है आपने, पोलाइटनेस है, तो आप क्या हो? ग्रेशियस हो, ठीक है। अगर आप पोलाइट हो तो आप क्या हो? ग्रेशियस हो, पोलाइट, ठीक है। आपकी मॉडेस्टी, मॉडेस्टी ग्रेशियस, ओके। या फिर इसको और क्या बोलते हो आप? हम्बल हो आप, बहुत ही ज्यादा हम्बल हो। इसी का एक शब्द और क्या होता है? इंडलजेंट हो आप, क्या हो? इंडलजेंट। ये सारे शब्द आप साथ में लिखते चलेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है अभी मैं बता रही हूँ आपको याद रहेगा, चार दिन के बाद आप भूल जाओगे, हो सकता है, तो इसलिए आप नोट करते रहेंगे तो रिविजन के लिए आपकी आसानी होगी, ठीक है। तो ग्रेशियस का क्या हो गया? पोलाइट है, हम्बल है, इंडलजेंट है, विनम्र है आप, ओके। आखिरी आता है जीनियल।
जीनियल क्या होता है, आपके जो भी आपका फ्रेंड ग्रुप है उसमें कोई एक बंदा होगा जो हर वक्त बस हंसता खेलता रहता है, सबके बीच में खूब घुलेगा मिलेगा, ठीक है, जो मिलनसार व्यक्ति है। क्या है? मिलनसार। मिलनसार वो क्या है? जीनियल है। इसी को एक शब्द हम बोलते हैं इंग्लिश में जोवियल, जोवियल, ठीक है, जॉयस, जो खूब खुश रहता है, हंसता खेलता रहता है, सबसे मिलता जुलता रहता है, वो क्या है? जीनियल है। तो इस पर यस का ऑपोजिट आपको क्या दिखा यहाँ पे? जेन्युइन। इस पर यस क्या था? फेक था। तो जेन्युइन क्या हो गया? असली हो गया, रियल हो गया, ठीक है, जेन्युइन। आते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? द फूड सर्व्ड फॉर लंच वॉज इंसिपिड। शब्द क्या है आपका? इंसिपिड। अब इंसिपिड का आपको क्या लिखना है? ऑपोजिट लिखना है या फिर सिमिलर वर्ड लिखना है, वो भी देख लेते हैं। द फूड सर्व्ड फॉर लंच वॉज इंसिपिड। रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय गिविंग द एंटोनिम। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, ठीक है। तो इंसिपिड क्या होता है पहले वो पता होगा, तभी तो एंटोनिम बताओगे, है ना। इंसिपिड मतलब होता है जो भी आपका खाना है वो कैसा है? टेस्टलेस है, है ना, फीका है। मैं ये नहीं कह रही खराब है, फीका है, ओके, डिफरेंस होता है। अगर मैं कहूँ खराब है मतलब खा के क्या बना दिया, और टेस्टलेस है मतलब खाया कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर उसको हम बोलेंगे इंसिपिड, ठीक है। तो इंसिपिड का उल्टा आपको क्या लगता है? टेस्टलेस सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी होता है, मान लो इंसिपिड का आपको मतलब पता है, ऑप्शन देखा आपने, टेस्टलेस मार दिया, आगे बढ़ गए, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया आपसे पूछ क्या रहा है, सिमिलर पूछ रहा है या ऑपोजिट पूछ रहा है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये टेस्टलेस जो है वो क्या होगा आपका? सिनोनिम होगा, एंटोनिम नहीं होगा। फिर अगला क्या आता है? मीठा, स्वीट। कोई खाना टेस्टलेस है तो उसका ऑपोजिट मीठा हो जाएगा क्या? स्वाद का उल्टा मीठा नहीं होता है ना, तीखा का उल्टा मीठा होता है। तो आप क्या करोगे? यहाँ जो स्वीट है वो तो आपको पता है, स्वीट का मीनिंग लिखने का जरूरत नहीं है। स्पाइसी कोई खाना है, स्पाइसी, अब आप कहोगे स्पाइसी तो हो सकता है, लेकिन स्पाइसी क्या है? तीखा और मसालेदार है, मसालेदार है, सॉरी, ठीक है, तीखा है। स्पाइसी भी यहाँ सही मीनिंग नहीं है। बट इफ टॉक अबाउट डिलिशियस, डिलिशियस अगर कोई खाना है तो जायकेदार है, बहुत टेस्टी है, ठीक है। तो डिलिशियस क्या है? जायकेदार, या यू कैन से टेस्टी। तो यहाँ पे इंसिपिड का उल्टा क्या हो जाएगा? डिलिशियस हो जाएगा। ऑप्शन फोर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है? इंसिपिड का मीनिंग लिख लीजिएगा प्लीज, क्या पता इसी में से कुछ आ जाए, फिर कहोगे कि मैडम आपने तो बताया ही नहीं था। एक सेकेंड, ये थोड़ा छोटा होगा क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थ्री पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो आपको लिस्ट दी हुई है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अब इसमें आपको मैच क्या करना है? मैच क्या करना है? मैच करना है एंटोनिम्स, ठीक है। इधर एक वर्ड दिया है और इधर उसका उल्टा है, तो आपको मैच करना है किससे किसका मिलेगा। तो पहले मीनिंग जान लेते हैं फिर मैच भी कर लेंगे। जील, जील क्या होता है? जील मतलब उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह, एंथुसियाज्म, ठीक है। जील क्या होता है? उत्साह होता है किसी भी चीज के लिए, ओके। आप एक बात याद रखना, जब भी आप वोकैब्स याद करते हो, ठीक है, तो वोकैब्स याद करते टाइम कभी भी इंग्लिश टू इंग्लिश रट्टे मत मारना। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ही सख्त रिविजन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज चीजें भूल जाओगे चार दिन के बाद, ओके? अब आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी से रिलेट करके जब याद करोगे तो वो चीजें लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन करने वाली हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्ड आप ज्यादातर याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। जील क्या है? उत्साह है किसी भी काम के लिए, ओके। बहुत ही आप इंटरेस्टेड हो किसी काम में, बहुत ही एंथुजियास्टिक हो किसी काम के लिए, तो क्या हो, क्या है वो? आपका जील है, ओके। नेक्स्ट आता है श्रीउड। श्रीउड मतलब चालाक बुद्धि, लोमड़ी बुद्धि, ठीक है। श्रूड मतलब क्या होता है? चालाक या कुटिल, लिख देते हैं यहां कुटिल, ओके। नेक्स्ट आता है क्या? कंसीट। कंसीट होता है जो घमंड से भरा है, बिल्कुल एरोगेंस से भरा हुआ है, प्राइड से भरा हुआ है, वो कौन है, कैसा है? कंसीट है, ठीक है। तो इसका भी मीनिंग आप लिख दीजिएगा क्या? प्राइड और क्या? एरोगेंस, ठीक है, घमंड, ओके। रेवरेंस अगला है। रेवरेंस अगर कोई भी है, बहुत ही रेवरेंट पर्सनालिटी है आपके सामने, मतलब वो बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, ठीक है, तो रेवरेंस मतलब सम्मान, ओके। रेवरेंस का मीनिंग क्या होगा? रिस्पेक्ट होगा,
क्या होगा? रिस्पेक्ट होगा। ये चार शब्दों का मीनिंग आप जान चुके हो। टी बहुत ही कैजुअल बन गया हमारा, ठीक है, रिस्पेक्ट। ओके, अब इधर देखते हैं मॉडेस्टी क्या है। मॉडेस्टी, मॉडेस्टी अभी हमने क्या बात की थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पे हमने मॉडेस्टी किसका बताया था? ग्रेशियस का, पोलाइट का। तो मॉडेस्टी क्या होती है आपकी? पोलाइटनेस होती है। क्या होती है? पोलाइटनेस होती है, विनम्रता होती है, ठीक है। एपैथी क्या होती है? एपैथी, देखो एक शब्द होता है आपका एपैथी, ठीक है, एक शब्द होता है आपका एम्पैथी, ठीक है, एक शब्द होता है आपका सिंपैथी, सिंपैथी, ठीक है। ये तीन शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला मान लो कल थी 14 फरवरी, है ना, तो तुम्हारा एक मित्र आता है, कहता है भाई मेरा तो बहुत बुरा कट गया, ठीक। तो आप क्या कहते हो? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हूँ, जाने दो। ओके, तो आपने क्या दिखाया? सिंपथी दिखाया। क्या दिखाया? सिंपथी दिखाया। अब मान लो आपका मित्र आता है, रोते हुए कहता है भाई मेरा तो कट गया, तो तुम क्या कहोगे? कोई बात नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूँ। तुम उसके साथ रो रहे हो, ओके, बहुत गंदा रोया मैंने, लेकिन ठीक है, तुम उसके साथ रोना शुरू कर दो, तो तुम क्या दिखा रहे हो? अब एम्पैथी दिखा रहे हो कि भाई तेरा दर्द मेरा दर्द, मैं भी रोऊंगा तेरे साथ, ठीक है। सिंपैथी क्या थी? आपने बताया कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आप उसको थोड़ा सा समझा रहे हो। और एम्पैथी क्या है? उसके दर्द को खुद महसूस कर ले रहे हो, एम्पैथी हो गया, ठीक है। फिर आता है एपैथी। एपैथी मतलब अरे भाड़ में जाओ यार, हमको क्या तुमसे, तुम्हारा कट गया तो कट गया, ओके। एपैथी मतलब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो एपैथी मतलब कोई फर्क नहीं। डिसरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का उल्टा, ठीक है। गलीबल क्या होता है? गलीबल लिख लीजिएगा। गलीबल अगर कोई बंदा है तो बहुत मासूम है, बहुत एकदम निर्दोष है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया कितनी ख़राब है, ओके। तो अगर गलीबल है यानी कैसा है? नाइव है, ठीक है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट रह गया, लड़का भोला रह गया हमारा, ठीक है, गलीबल रह गया, वो क्या हो जाएगा? गलीबल। अब ज़रा मिला लेते हैं, ठीक है, एंटोनिम हमें मिलाना है। जील, किसी काम के लिए अगर आप में उत्साह है तो जील है, आपको उस काम से फ़र्क ही नहीं पड़ता तो उस काम के लिए क्या है आपको? एपैथी है, यानी ए का हो गया क्या? सेकंड, ठीक है। ऑप्शन में जाएंगे, फर्स्ट है हटा दिया, थर्ड है हटा दिया, फोर है हटा दिया, बचा क्या? थर्ड ऑप्शन, ओके। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, बी है आपका श्रूड, कुटिल है, यानी बुद्धि बहुत चालू है उसकी, तो चालू बुद्धि है उसका उल्टा भोला बालक है, गलीबल हो गया। बी का क्या होगा? चौथा होगा, दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। कंसीट मतलब बिल्कुल घमंड से भरे पड़े हो, फूल के बैठे हो एकदम घमंड में, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही पोलाइट हो, सबसे हाथ जोड़ के बातें करते हो पोलाइटनेस से आपने, ओके। तो सी का हो गया क्या? पहला। फिर आता है रेवरेंस यानी रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट का उल्टा डिसरिस्पेक्ट आपको सीधे सीधे दिख रहा है, ओके। ये हो जाएगा डी का तीसरा। अब अगर मान लो इतने सारे शब्द तुम्हें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, CUET का लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इतने में से एक भी शब्द का मीनिंग आपको पता है आप आंसर निकाल ले जाओगे। मान लो आपको पता है रिवरेंस का मतलब कि रिस्पेक्ट होता है, तो रिस्पेक्ट का उल्टा सामने दिख रहा है डिसरिस्पेक्ट, है ना। डी का तीसरा, डी का चौथा हटा, डी का पहला हटा, डी का चौथा हटा, डी का तीसरा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वही ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम देख के बस डरना नहीं है कि इतना सारा हमको कैसे याद होगा, अगर कुछ भी याद है, थोड़ा भी याद है, वही बुद्धि लगाओ, एलिमिनेट करके आपको आंसर मिल जाना है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी शब्द मैंने बताए हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पिक आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। आपको मीनिंग निकालने हैं, यानी कि अब यहाँ कुछ उल्टा नहीं, बिल्कुल सीधा मतलब निकालना है। दो शब्द हैं वेन एंड वेन। अब यहाँ पे देखो स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन प्रोनंसिएशन दोनों का ही सेम है, बट मीनिंग भी अलग होगी, ठीक है। पहला वेन और दूसरा वेन, दोनों को ही हम वेन बोलते हैं, ठीक है। पहला जो वेन है ना उसका एक फ्रेज भी होता है, क्या? सब कुछ वेन में चला गया, तिलांडे में चला गया, होता है ना, सब कुछ तिलांडे में चला गया। तो इन वेन मतलब क्या होता है? वेस्ट हो गया, जितना भी कुछ था आपका सब वेस्ट हो गया, ठीक है।
तो इन वेन मतलब क्या हुआ, वेस्ट हो गया या फिर क्या हुआ, यूजलेस हो गया, अब तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा वेन है, दूसरा वेन है, आजकल मीम में बहुत चला है कि भाई जब से ये काम छोड़ा तब से डाउनफॉल शुरू हो गया अपना, जब से माँ के हाथ का खाना छोड़ा तब से डाउनफॉल शुरू हो गया, जब से सेंटा का इंतज़ार करना बंद किया है तब से डाउनफॉल शुरू हो गया, जब से बड़े हुए हैं तभी से डाउनफॉल शुरू हो गया। तो वेन का मतलब क्या होता है, डाउनफॉल, क्या होता है, डाउनफॉल, और यू कैन से डिक्लाइन, और क्या बोल सकते हो, डाउनग्रेड होना, क्या होना, डाउनग्रेड होना, और क्या बोल सकते हो हिंदी में, पतन होना, क्या बोल सकते हो, पतन होना। तो वेन मतलब वेस्ट, यूजलेस, और दूसरा जो वेन है उसका मतलब क्या हो जाएगा, डाउनफॉल और डिक्लाइन। ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सेप्ट और फ्यूटाइल होगा क्या, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, फ्यूटाइल मतलब कोई चीज़ अगर फ्यूटाइल है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है, बेकार, ओके। तो वेन का मतलब फ्यूटाइल तो नहीं होता। फिर आता है यूजलेस एंड डिक्लाइन, क्या ये मीनिंग आपको सेम दिख रही है, यूजलेस एंड डिक्लाइन, ऑप्शन आपका सेकेंड वाला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, कैजुअल लिखा हुआ है, कैजुअल मतलब एंट्री अच्छी है, बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, अनौपचारिक है। कैजुअल कपड़े पहन के आप मार्केट वगैरह जाते हो, लेकिन वो कैजुअल कपड़े पहन के आप किसी फॉर्मल मीटिंग में नहीं जा पाते, है ना, मीटिंग वगैरह में आप वो कैजुअल कपड़े पहन के नहीं जा पाओगे, कैजुअल, अनौपचारिक, ठीक है। कैलामिटी क्या होती है, कैलामिटी कोई आपदा आ जाए, डिजास्टर जिसे आप बोलते हो, ठीक है, डिजास्टर हो गया। फिर टिपिकल समझते हो, टिपिकल मतलब किसी एक विशेष प्रकार का, और ट्राइंग मतलब ये भी समझते हो, बताने की जरूरत नहीं है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर चाहें तो। देन आता है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है चूज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, फिर से उल्टा पूछ लिया, फिर से उल्टा पूछ लिया, किसका पूछा है, फोरलॉन का। फोरलॉन क्या होता है, फोरलॉन क्या होता है, अब फोरलॉन मतलब कुछ कुछ अलोन से मिलता जुलता लग रहा है क्या, अलोन, कोई अलोन है, अकेला है, अकेला है तो कैसा है, डिसअपॉइंटेड है, कैसा है, डिसअपॉइंटेड है। अलोन है तो और कैसा हो सकता है, ऑर्फन भी हो सकता है। अलोन है तो और कैसा हो सकता है, डिप्रेस्ड भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, डिप्रेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसका उल्टा बताना है, अब उल्टा बताना है तो सॉलिटरी मतलब, सॉलिटरी मतलब अकेला, है ना, सॉलिट्यूड, शांति, अकेले वाली शांति, ठीक है। रेस्ट मतलब क्या होता है, रेस्ट जिसे हम बोलते हैं मनहूस, ठीक है, हिंदी में मैं लिख देती हूँ मनहूस, या फिर इंग्लिश में इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्स्ड, शापित कोई जगह है, ठीक है। चीयरफुल है मतलब एकदम खुश है, और डेसोलेट है मतलब, डेसोलेट मतलब जहाँ पे कोई रहता नहीं है, यानी कि डेजर्ट, ठीक है, कोई डेजर्ट जगह जहाँ कोई रहता नहीं है, या अनइनहैबिटेड, अनइनहैबिटेड, इनहैबिटेड मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, अनइनहैबिटेड जहाँ कोई नहीं रहता, डेजर्ट है, ठीक है। तो डेसोलेट का ये मतलब हो जाता है। आपको बतानी है एंटोनिम किसकी, फोरलॉन की। फोरलॉन मतलब डिसअपॉइंटेड है, अकेला है, ठीक है, डिप्रेस्ड है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चीयरफुल है, ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन नंबर 6। नंबर 6 क्या कहता है, नंबर 6 कहता है कि भैया सिनोनिम बता दो, सिनोनिम बता दो, किसका बता दो, इलेशन का बता दो। इलेशन क्या होता है, इलेशन होता है आपका उत्साह किसी चीज़ के लिए, आपकी आशा किसी चीज़ के लिए, ठीक है। इलेशन मतलब क्या है कि आप बहुत ही आशावान हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, ओके, बहुत ही मोटिवेटेड हो किसी भी चीज़ के लिए, या इलेशन आप बहुत ही खुश हो, उत्साहित हो, ओके। तो इसका सिनोनिम अगर आपसे पूछा जाए तो डेस्पेयर, डिलाइट, एक्सपेल एंड ग्लूम, क्या हो जाएगा, डेस्पेयर, डिलाइट, एक्सपेल एंड ग्लूम, आपके हिसाब से क्या हो सकता है। ग्लूम का अगर हम बात करें, ठीक है, ग्लूम बहुत ही ग्लूमी फेस लग रहा है, क्या हो गया, बहुत रोई वोई हो क्या, ग्लूमी फेस मतलब बहुत ही सैड, ठीक है, सैडनेस इज ग्लूम, इसी को हम लिख दें सौरो, सारो नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सौरो, ठीक है, सैडनेस हो गया, सॉरोनेस हो गया, वो हो जाएगा। एक्सपेल मतलब निष्कासित कर देना, भगा देना, ठीक है, निष्कासित कर देना, मैं आपको क्लास से एक्सपेल कर दूं मतलब भगो बाहर, ठीक है। फिर आता है डिलाइट, डिलाइट मतलब आप बहुत खुश हो, क्या हो, बहुत खुश हो, डिलाइटेड हो, ठीक है। फिर डेस्पेयर, डेस्पेयर भी क्या है, उल्टा है, दुखी हो,
ठीक है, डिप्रेस्ड हो, अकेले बैठे हो, उदास बैठे हो, ये भी क्या होता है? तो ये कुल मिला के ये जो ग्लूम है और डेस्पेयर है आपस में क्या हो जाते हैं, सिनोनिम हो जाते हैं। लेकिन आपको इलेशन का सिनोनिम बताना है, इलेशन मतलब खुश है, उत्साहित है, तो उसका क्या हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा। डिलाइट है मतलब खुश है, ठीक है। आई एम वेरी डिलाइटेड टू अनाउंस दैट डैश 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 वट एवर, ठीक है। तो डिलाइटेड क्या है, आप खुश हैं, हैप्पी हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप क्या हैं, चीयरफुल हैं, ठीक है, चीयरफुल हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका सिनोनिम हो जाएगा डिलाइट, किसका, इलेशन का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अब क्या करना है भैया, अपोजिट बताना है क्वेल का, ओके। अपोजिट किसका बताना है, क्वेल का। क्वेल का क्या ऑपोजिट, क्वेल का ऑपोजिट। अब देखो क्वेल मतलब क्या होता है, क्वेल मतलब क्या होता है, इसका मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पुलिस गई, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कंट्रोल कर लिया, उस लड़ाई झगड़े को दबा दिया, क्या कर दिया, सबड्यू कर दिया। तो क्वेल के क्या मीनिंग हो जाएंगे, कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल करना, और क्या करना, सबड्यू करना, ठीक है। कोई भी झगड़ा है उसको ख़त्म कर देना, ठीक, कंट्रोल और सबड्यू हो जाता है, या फिर सप्रेस भी कर दे रहे हो आप उस मुद्दे को, ठीक है, सप्रेस कर दे रहे हो, मीन आई थिंक स्पेलिंग कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेल का मतलब क्या हो जाता है, कंट्रोल करना, या फिर सबड्यू करना, या कोई भी विवाद चल रहा है उसको जाके दबा दो, ओके। अब यहाँ पे आपको ऑपोजिट बताना है, ऑपोजिट में ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं, फॉर्मेंट है, एले है, सबड्यू है और क्रश है। अब देखो सबड्यू और क्रश क्या मीनिंग दोनों की सेम है, यही, तो ये क्या हो गया आपका, सिनोनिम हो गया, ठीक है। फॉर्मेंट क्या होता है, फॉर्मेंट आपका क्या होता है, किसी भी मुद्दे को भड़काना, ठीक है, क्या करना, किसी भी मुद्दे को भड़काना। जो जब आप भड़काओगे, और इसका क्या है, कंट्रोल करना, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, भड़काने वाला ही तो हो जाएगा, ठीक है, भड़काने वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑपोजिट का, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि स्पाइनलेस शब्द क्या है, स्पाइनलेस का एंटोनिम बताइए। स्पाइन क्या होती है, ये पीछे हमारी, ठीक है, हमें स्ट्रेंथ देती, सपोर्ट देती, तभी तो हम खड़े हो पाते हैं, हम चल पाते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। अगर स्पाइन नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे, नीचे, सीधे नीचे, ठीक है, रायते जैसे फैल जाएंगे ज़मीन पे। तो स्पाइनलेस है मतलब बहुत ही वीक हो आप, डल हो। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, कावर्डली क्या होता है, कायर होता है, कावर्डली क्या होता है, कायर होता है, ठीक है। फटीग्ड क्या है, थका हुआ, फटीग मतलब थकान, और फटीग्ड हो मतलब थका हुआ, क्या होगा, थका हुआ, किसी को बोल सकते हो टायर्ड, ठीक है। स्ट्रांग मतलब मजबूत, और डल मतलब बिल्कुल लंच पुंज। यहाँ बताना क्या है, स्पाइनलेस का एंटोनिम बताना है, और एंटोनिम आप देखोगे सारे ही नेगेटिव वर्ड है, कायर हुआ, थका हुआ हुआ, और डल भी एकदम लुंज पुंज पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्ट्रांग वाला आप चूज कर लेंगे, इसका उल्टा, स्पाइनलेस का उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है फिर से आपके सामने, अरे यार, हाँ, फिर से आपके सामने क्या है, दो लिस्ट हैं, और दो लिस्ट कहते क्या हैं कि भाई सिनोनिम बताने हैं। सिनोनिम मतलब समान अर्थ, सिमिलर मीनिंग जिनकी है, ठीक है। अब इसमें शब्द है, जेस्ट है, विकेड है, वेनरेबल, अच्छा यहाँ पे एक ए रह गया है, उसको आप ऐड कर लीजिएगा, वेनरेबल है, ठीक है, और एक क्या है, टिमिड है, यहाँ से ई हटाना है, ओके, टिमिड है, ओके। यहाँ दूसरे में आपको क्या दिख रहा है, माइल्ड दिख रहा है, डिलाइट दिख रहा है, मैलिशियस दिख रहा है, और ऑनर्ड दिख रहा है, मैलिशियस दिख रहा है और ऑनर्ड दिख रहा है। अब नीचे ऑप्शन भी हैं मैच करने वाले, ठीक है, अगर एकाध का भी आपको मीनिंग पता है, ठीक, तो आप बहुत आराम से सबका निकाल ले जाओगे, तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। देखो विकेड, सुना है विकेड, चतुर, लोमड़ी बुद्धि, है ना, लोमड़ी बुद्धि, उसका सिनोनिम फिर से मत चला है। तो उसका सिनोनिम आपको क्या लगता है, अगर चतुर बुद्धि है, यानी कि फोपड़ी उल्टा बस घूम रही है ना, मैलिशियस है, तो बी का क्या हो जाएगा,
तीसरा होगा, जैसे आपको दिखा कि बी का तीसरा है, आपने किसको टिक कर दिया, बी का तीसरा ऑप्शन टू, ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एक बार देख लेते हैं सारा मैच करके। जेस्ट क्या होता है, बिल्कुल वही एंथुसियाज्म वाला, उत्साही हैं आप, अब बहुत खुश हैं, बहुत चीयरफुल हैं, ठीक है, आप ब्लिस हैं। तो जेस्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल खुश हैं आप, तो उसका आपको सिनोनिम क्या दिख रहा है, डिलाइट दिख रहा है, ए का हुआ सेकंड दिख रहा है। ओके, विकेड हैं, ये तो अभी हमने देखा, मैलिशियस है, मैलिशियस मतलब जिसका बुद्धि एकदम खुरापाती है, ठीक है, खुरापात में चल रहा है, बस कब किधर किसको गिरा दूँ, किससे कितना लूट लूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। वेनरेबल क्या होता है, वेनरेबल बिल्कुल जैसे रिवरेंस वाला आपने अभी ऊपर देखा था, रिवरेंस वाला ही है, रिस्पेक्ट ऑनर उसी से रिलेटेड है, तो वेनरेबल का क्या हो जाएगा, ऑनर्ड हो जाएगा, तो सी का हो गया चौथा। और टिमिड मतलब क्या है, कि आप थोड़े कायर हो, डरे डरे डरपोक हो, ठीक है, तो टिमिड का आपको क्या दिख जाए, माइल्ड हो, बहुत बोल्ड नहीं हो आप, माइल्ड हो, दबे दबे रहते हो, थोड़े से कायर टाइप के हो, ठीक है, तो डी का हो जाएगा पहला। सारे ऑप्शन यहाँ मैच कर रहे हैं, ऑप्शन टू आप यहाँ पे करेक्ट कर दोगे फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बताइए कि डेसिफर, एक वर्ड है आपका डेसिफर, डेसिफर की क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सी है इन चारों में से। डेसिफर मतलब क्या होता है, अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, उसमें इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें आप देखते हो कि कोई भी लैंग्वेज है पुरानी, उसको डेसिफर किया जा चुका है, डेसिफर किया जा चुका है मतलब डीकोड किया जा चुका है, ठीक है, मैं कोई भी ऐसे सिंबॉलिक ऐसे कुछ भी करके लैंग्वेज लिख दूँ, ओके, कुछ भी लिख दूँ, कोई भी कोड वगैरह है, और अब आप इसको समझ गए कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, इसको डेसिफर कर लिया है। डेसिफर मतलब क्या, डीकोड कर लिया है, क्या कर लिया है, डीकोड कर लिया है, याद रखिएगा इसका क्या है, डिकोड करना। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, डिस्टॉर्ट, डिकोड, डिवोट, डिक्लेम, अपने आप ही मिल गया क्या, डिकोड, सिनोनिम ही बताना है ना, डिकोड हो गया, बाकी का मीनिंग देखते हैं। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट करना मतलब अगर आपकी छवि है, इमेज है, मैं उसको डिस्टॉर्ट करके पेश कर रही हूँ, मतलब तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हूँ, माय लॉर्ड ये सारे एविडेंस जो हैं वो डिस्टॉर्ट करके पेश किए गए हैं, तोड़ मरोड़ के पेश किए गए हैं, ठीक है। फिर आता है डिकोड, आपने देख लिया। डिवोट, डिवोट करना मतलब समर्पित करना, है ना, किसी भी भगवान के जो डिवोटीज हैं, अनुयायी हैं, उनके प्रति समर्पित लोग हैं, तो डिवोट मतलब समर्पित करना या समर्पण कर देना। डीक्लेम, डीक्लेम अगर आप क्लेम करोगे तो किसी चीज़ पे जाके दावा ठोकोगे, ये पेन किसकी है, मैं इसे क्लेम करती हूँ, मेरी है, ठीक है, मैं कहूँ ना मेरी है, मैं नहीं जानती, बताएं किसकी है, मैं इसको डिक्लेम कर रही हूँ, ठीक है, तो डिक्लेम करना मतलब दावा वापस ले लेना या दावा ही ना करना, इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना कि मेरा नहीं है, ठीक है। नंबर इलेवन क्या कहता है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है उसकी क्लोजेस्ट मीनिंग। तो सबसे सबसे पहली बात कि हमारे पास अंडरलाइंड वर्ड ही नहीं दिख रहा है, ओके, तो अंडरलाइंड वर्ड ये था कौन सा, हाँ एक्साइटिंग था, ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा, एक्साइटिंग वाला है आपका अंडरलाइंड वर्ड। थोड़ी सी दिक्कत हो गई पीडीएफ में, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आगे से ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा ना हो। एक्साइटिंग वर्ड है और एक्साइटिंग की आपकी क्लोजेस्ट मीनिंग बतानी है, यानी क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। एक्साइटिंग है मतलब बढ़िया है ना, एकदम आपको आपको उत्तेजना से भर दे, ऐसा परफॉर्मेंस था। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल, बीते हुए कल में राम्या गेव क्वाइट एन एक्साइटिंग परफॉर्मेंस, राम्या ने काफ़ी ज़्यादा उत्तेजनापूर्ण या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो अब यहाँ क्या आता है, डाउन ट्रॉडन एक्सपेडिशियस कैमोफ्लेज एंड स्किंटिलेटिंग। डाउन ट्रॉडन क्या होता है, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो दबे कुचले हैं, है ना, मार्जिनल हैं, जिनको राइट्स उतने अच्छे से नहीं मिले हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग कैसे हैं, डाउन ट्रॉडन, डाउन ट्रॉडन दबे कुचले लोग, ठीक है, तो दबा कुचला परफॉर्मेंस तो नहीं होगा उसका। एक्सपेडिशियस, एक्सपेडिशियस क्या होता है, एक्सपेडिशियस कोई भी प्रोग्राम आपका है उसको आप तेजी से आगे बढ़ाओ, ठीक है, तो एक्सपेडाइट कर रहे हो और वो प्रोग्राम अब कैसा हो गया, एक्सपेडिशियस हो गया, ठीक है। दो शब्द होते हैं, एक होता है इम्पीड, ठीक है, और एक होता है एक्सपेडाइट, राइट। इम्पीड, पेड, पेड होता है मेन आपका रूट वर्ड, पेड मतलब होता है पैर, तो इम्पीड जब आप चल रहे हो, इम मतलब इन, इन,
ठीक है। तो जब आप चल रहे हो, आपके पैरों के बीच में कोई चीज आ रही है, तो आपकी गति क्या होगी? कम होगी। आप ऐसे सजाते कुछ आया, लड़खड़ा गए, अब धीरे धीरे जाओगे, देखते हुए कुछ आगे ना आ जाए, ठीक है। तो क्या हो गया? इम्पेडिमेंट हो गया, इम्पेड हो गया, ठीक है। और एक्सपेड, उसी को उठा के एक्स कर दिया, फेंक दिया, ठीक। तो क्या हुआ? एक्सपेडाइट कर दिया आपने अपने प्रोसेस, यानी अब आप चल रहे हो तो तेजी से चल रहे हो, तो एक्सपेडिशियस यानी जो आपको तेजी से आगे ले जाए, ठीक है। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज आपने देखा होगा, जैसे आर्मी में होता है ना, छलावरण हिंदी में इसको बोलते हैं। कैमोफ्लेज क्या होता है कि कुछ झाड़ी झंखाड़ वाली ड्रेस आप पहन लेते हो और फिर झाड़ी में छुप जाते हो, तो आपको कोई पहचान ही नहीं पाता है ना। कोई चीज़ जो हिडन है, कैमोफ्लेज है, ठीक है। आसपास के इन्वायरमेंट में हिडन है, तो वो क्या है? कैमोफ्लेज्ड है। स्कैंटिलेटिंग मतलब सेम, एक्साइटिंग, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड है, तारीफ के लिए आप यूज़ करते हो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, स्कैंटिलेटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन फोर हो जाएगा आपका फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 12 पे। नंबर 12 क्या कहता है? फिर से भैया दो लिस्ट है और आपको बताना है क्या एंटोनिम, क्या ध्यान रखेंगे? एंटोनिम बताना है, क्या? एंटोनिम, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा तभी हमें पूरा क्वेश्चन दिखेगा। एंटोनिम बताना है। अब देखिए, पहला शब्द क्या है? एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करना मतलब बढ़ाना, ठीक है। एक बलून है, उसमें हवा मार रहे हो, तो वो हवा से बलून क्या होता है? एक्सपेंड होता है, ठीक है। एक्सपेंड मतलब क्या होता है? विस्तार करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट, निजी, पता है। लीड, लीड करना मतलब भैया नेतृत्व तो हम ही कर रहे हैं, बाकी लोग हमारे पिच्छू, ठीक है। तो लीड मतलब नेतृत्व करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। पब्लिक क्या हो जाएगा? पब्लिक, एक चीज होती है प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट, प्राइवेट टॉयलेट। तो आपका जो प्राइवेट है, आपके घर में आप ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि रोड पे चलता हो कोई भी आके भैया मैं आपका टॉयलेट यूज कर लूं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट है तो भाई सड़क पे बना हुआ है, जिसको जाना है वो जाए, है ना। तो बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था, लेकिन ठीक है, समझने के लिए वो भी ठीक है। तो प्राइवेट का उल्टा क्या हो गया? पब्लिक हो गया। बी का पहला होगा, देख लीजिए जरा, बी का दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, चौथा कट गया, ऑप्शन सीधे सीधे दिख गया आपको। एक्सपेंड करना मतलब विस्तार करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सिकोड़ना, ठीक है। एक अगर बलून है, उसमें आप हवा भर रहे हो, वो फूल रही है तो एक्सपेंड कर रही है। आपने हवा भरना छोड़ दिया और उस बलून को भी छोड़ दिया, तो हवा निकली बाहर और अब वो बलून क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंड का उल्टा कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट का उल्टा पब्लिक, लीड करना मतलब नेतृत्व करना, तो उसका उल्टा पीछे वाले हो जाएंगे जो फॉलो कर रहे हैं, फॉलो हो जाएगा। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मना करना, रिफ्यूज करना, ठीक है। रिफ्यूज का एक और होता है रिफ्यूट भी होता है। क्या होता है? रिफ्यूट, सीधे आप खारिज कर दो किसी चीज को, ओके। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर, जो भी था ये 11वां या 12वां, कौन सा था? हाँ 12वां था, तो इसके लिए नंबर थर्ड हो जाएगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है मेलनकोली की, मेलनकोली, ठीक है। मेलनकोली का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है, जो भी सिमिलर मीनिंग है वो बताना है। मेलनकोली क्या होता है? अभी ऊपर आपने कुछ शब्द भी पढ़े थे, डेस्पेयर पढ़ा था, सोरो पढ़ा था, ठीक है। तो जो मेलनकोली है मतलब सैडनेस है, क्या है? सैडनेस है, ठीक है। फिर उसका आपको सिनोनिम बताना है। अब ये पांच आपके सामने हैं और इनमें से चूज करना है कि भैया कौन से वाले हैं, ठीक है। पहला क्या आता है? डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल जिसमें टेस्ट ना हो, ठीक है। डिजेक्टेड मतलब अकेले बैठे हुए हो, डिजेक्टेड हो यानी कि निराश बैठे हुए हो, हताश बैठे हुए हो, दुखी बैठे हुए हो, ठीक है। डिसेंबल, असेंबल का उल्टा हो। असेंबल क्या होता है? आप कलेक्ट करके चीज़ों को जोड़ देते हो, डिसेंबल अलग अलग कर देते हो, ठीक है। डिप्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड समझ रहे हो, इसमें कुछ बताने नहीं, अवसादग्रस्त हो, ठीक है। डिसेंट, डिसेंट किसका उल्टा है? असेंट का। असेंट मतलब क्या होता है? आप स्वीकृति दे रहे हो सामने वाले को, डिसेंट नहीं दे रहे हो, बात खत्म। तो असेंट, डिसेंट ये वाला तो नहीं होगा। डिस्टेस्टफुल, डिजेक्टेड, डिसेंबल भी नहीं होने वाला। डिजेक्टेड अकेले अकेले बैठे हो, डिप्रेस्ड भी वही है, अवसादग्रस्त बैठे हो, डिस्टेस्टफुल कोई स्वाद नहीं है, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा मेलनकोली का? डिजेक्टेड और डिप्रेस्ड। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फोर हो जाएगा, ठीक है, बी एंड डी ओनली, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है? अगला कहता है एंटोनिम बताना है चाइल्डिश का। अब देखो, तुम जिस उम्र में हो, है ना, तुम्हारे सामने एक महिला मित्र भी होगी
और उसकी हरकतें कुछ ऐसी होंगी कि आपको ये बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है इसका, बहुत चाइल्डिश है। अरे कितनी चाइल्डिश है, चाइल्डिश मत बोला करो, चाइल्ड लाइक बोला करो, ठीक है। चाइल्डिश क्या होता है, बच्चों जैसी जो बचकानी हरकतें होती हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं चाइल्डिश हरकतें, है ना। तो चाइल्डिश पॉजिटिव वर्ड नहीं होता है, नेगेटिव होता है कि बच्चों वाली बुद्धि है यार, बाल बुद्धि है, भोला बालक रह गया ये। ओके, तो चाइल्डिश है तो एक नेगेटिव वर्ड होगा। कोई अगर इमैच्योर है ना, इमैच्योर है तो क्या है, चाइल्डिश है। फूल है, फूलिश है, तो वो क्या है, चाइल्डिश है, ठीक है। और जिसको आप बोलते हो चाइल्डिश, उसको चाइल्ड लाइक बोला करो, यानी बच्चों जैसी मासूमियत है किसी में। चाइल्ड लाइक मतलब बिल्कुल बच्चों जैसा दिल है। ओके, तो यहाँ पे चार ऑप्शन से बता रहा है, क्या क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ओके, ध्यान रखेंगे पेपर के टाइम, बहुत ध्यान रखेंगे। क्या है, इल नेचर्ड, इल नेचर्ड मतलब हर वक्त खाली खड़ूस जैसे बने रहते हो, इल नेचर्ड हो, ठीक है। सिंसियर हो मतलब बहुत ही अच्छे दिमाग के हो, और बहुत, वो हिंदी वर्ड क्या होता है, सिंसियर, ऐसा समझते हो, सिंसियर, ठीक है। कन्वर्ज क्या होता है, कन्वर्ज कई जगह से चीज़ें आ रही हैं, एक जगह पे मिल जा रही है, जो मीटिंग पॉइंट है, मीट करना, ठीक है, वो क्या है, कन्वर्ज है। फिर अगला क्या आता है, मच्योर आता है। अब चाइल्डिश का उल्टा पूछ रहा है, तो क्या ये मच्योर हो जाएगा, मच्योर हो जाएगा या सिंसियर हो जाएगा। देखो ध्यान देना, ध्यान देना, देखो एक तो आप क्या हो, फुलिश हो, ठीक है, और क्या हो आप, चाइल्डिश हो, बच्चे जैसे, मतलब बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कहाँ से कूद रहे हैं, कहाँ पे गिर रहे हैं, ठीक है, आप लापरवाह भी बहुत हो, है ना। तो अब चाइल्डिश का अगर आपको उल्टा बताना होगा तो आप क्या बताओगे, मच्योर बताओगे कि सिंसियर बताओगे, क्योंकि ये वाले देखो, इल नेचर, ये खड़ूस वाला, और ये कन्वर्ज, मीटिंग पॉइंट वाला, तो अपने आप हट गया, ठीक है, सिंसियर हो या मच्योर हो। अब मच्योरिटी का क्या है कि वो बच्चों में भी आ सकती, बड़ों में भी हो सकती, ठीक है, लेकिन सिंसियरिटी क्या है, बच्चों में जल्दी नहीं आती, वो बड़ों में आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या टिक करोगे, सिंसियर को आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक और केयरलेसनेस लिख सकते हैं, ठीक, केयरलेसनेस। नंबर 15 पे आते हैं। नंबर 15 क्या कहता है कि अंडरलाइंड वर्ड का क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग मतलब वही सिमिलर मीनिंग, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम बोलते हैं, ठीक है, सिनोनिम बोलते हैं। तो सिनोनिम बताना है आपको अंडरलाइंड वर्ड का। फिर से यहाँ हमारा अंडरलाइन जो है वो गायब हो चुका है, देखते हैं क्या है। आई हेल्ड दिस कनेक्शन विथ डिलाइट। ओके, यहाँ पे हेल्ड जो है वो आपका अंडरलाइंड था, आप इसको एक बार कर लीजिएगा अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी जब ये पीडीएफ अगर आपको मिलेगी तो वहाँ पे भी शायद ये अंडरलाइन नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हेल्ड की मीनिंग आपको बतानी है, ठीक है। हेल्ड का सिनोनिम बताना, आई हेल्ड दिस कनेक्शन विथ डिलाइट, मैंने इस कनेक्शन का स्वागत किया खुशी के साथ, हेल करना, ठीक है, स्वागत करना। अवॉइड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। मना करेंगे क्या, रिफ्यूज़ करना मतलब मना करना, मना करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अक्लेम करना और रिलीज़ करना, रिलीज़ करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, रिलीज़ भी हटा दिया। अक्लेम, ठीक है, अक्लेम मतलब वही क्लेम करना, क्लेम करना या स्वागत करना किसी चीज़ का, कि हाँ भाई ये देखो हमारा कनेक्शन है, वाह वाह, हेल कर दिया, यानी कि अक्लेम कर दिया। सो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपका कि लो भैया दो लिस्ट हैं और मिलाओगे क्या, मीनिंग्स मिलानी है, ठीक है, सिनोनिम्स ही मिलाने हैं यहाँ पे। ओके, कुछ तो दिक्कत हो चुकी है हमारे पीडीएफ में, खैर अभी पहले हम ये मिला लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस बाद में देखेंगे, ठीक है। हेल करना अभी हमने ऊपर देखा, स्वागत करना किसी चीज का। जस्ट, जस्ट अब वो नहीं कि मैं जस्ट आया अभी, जस्ट मतलब बस अभी, और इधर जो जस्ट है उसका मतलब क्या, न्यायपूर्ण, ठीक है, जस्टिस, जस्ट न्याय, ठीक है। ल्योर करना मतलब किसी को लुभाना, लुभाना मतलब अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। ओके, रेडियंट, रेडियंट है मतलब कि ग्लो कर रहा है, आपका फेस कितना रेडियंट है, ओहो ग्लो कर रहा है, ठीक है, रेडियंट है मतलब ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ मीनिंग देखोगे। ऑनेस्ट है मतलब कैसा है, जस्ट है, ठीक है। रेडियंट है मतलब ग्लो कर रहा है, डी का क्या हो जाएगा, यहाँ हम ऑप्शन बना लेते हैं, रुक जाइए अभी देखेंगे ऑप्शन में क्या है। डी का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ओके, ल्योर करना मतलब अट्रैक्ट करना, सी का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा,
ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। ग्रीट करना, ग्रीट करना मतलब क्या होता है, हेलो जी, स्वागत करना, ठीक है, हम ग्रीट कर रहे हैं, हेल कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, अक्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। कहीं पे ऑप्शन है क्या, देखो ये वाला ऑप्शन आई थिंक ये गड़बड़ है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ से हटा देना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मेन जो आपका रियल आंसर है वो इधर दिया हुआ है, डी का दूसरा ये वाला है, ठीक है, रियल आंसर आपका ये वाला है। इसको प्लीज काट दीजिएगा, इसको डिसरिगार्ड कर दीजिएगा, डिसओन कर दीजिएगा कि भैया हमारे पीडीएफ का हिस्सा नहीं है ये, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बट आई एम रियली सॉरी। ये वाला ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। ए का क्या है, तीसरा है। ए क्या था आपका, हेल करना, तो उसका ग्रीट करना, जस्ट मतलब न्याय है, ऑनेस्टी है, तो जस्ट का ऑनेस्ट हो जाएगा, ल्योर का अट्रैक्ट हो जाएगा, रेडिएंट का ग्लोइंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नंबर 17 क्या कहता है, सीज एक वर्ड है, इसका एंटोनिम आपको बताना है, ठीक है। सीज एक वर्ड है, इसका एंटोनिम यानी उल्टा बताना है। अब सीज क्या होता है, आपने पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सीज फायर डिक्लेयर किया गया है। सीज फायर मतलब फायर को आप सीज कर दीजिए, रोक दीजिए, ठीक है। तो सीज मतलब क्या होता है, स्टॉप, स्टॉप करना, पॉज करना, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यू करना, रोक देना। अब यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, यानी कि स्टॉप करना का उल्टा चलाते रहना। यहाँ देखेंगे पॉज सिनोनिम हो गया, हमें सिनोनिम नहीं बताना है, ये क्या है, सिनोनिम है। डिसकॉन्टिन्यू फिर से सिनोनिम है, कॉन्टिन्यू एंटोनिम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यू हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। टर्मिनेट मतलब खत्म करना होता है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस चल रही है उसका खत्म करना है, टर्मिनेट कर दिया हमने, ठीक है। स्टॉप करना वही, ओके, तो एंटोनिम क्या होगा, सी हो जाएगा। अच्छा सॉरी, सिर्फ यही नहीं है, ये पांच में से आपको चूज भी करना है, वैसे भी देखोगे तो सी ओनली ही मिलेगा, तो सेकेंड वाला आपका हो जाएगा, ओके। चलिए अब आते हैं नंबर 17 के बाद नंबर 18 पर। नंबर 18 क्या कहता है कि एक शब्द है आपके सामने और इसका आपको क्या बताना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है, ठीक है। अब ये जो शब्द लिखा है आप बोलोगे रेंडेजुअस, ऐसा कुछ नहीं, इसका जो प्रोनंसिएशन है वो अलग होता है। ये जो इसका रेन है उसको हम बोलते हैं रॉन, ठीक है, रॉन। ये जो डे है इसको बोलते हैं डे, डे, ठीक है। और जो जुअस है उसको हम क्या बोलते हैं, वू बोलते हैं, ठीक है, रॉन डे वू, ठीक है। ये शब्द क्या है, रॉन डे वू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई एक सीक्रेट डेट पे जाना, सीक्रेट मीटिंग करना। तो सीक्रेट मीटिंग करना के लिए आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। देख लीजिए भैया, सीक्रेट मीटिंग पहला ही ऑप्शन है, यही हो जाएगा आपका आंसर। बाकी मिसफॉर्च्यून क्या होता है, दुर्भाग्य होता है, गलत, गंदा, मतलब खराब भाग्य होता है, गंदा नहीं, खराब भाग्य होता है। एजिलिटी क्या होती है, एजिलिटी होती है फुर्ती, क्या होती है, फुर्ती, ठीक है, बहुत स्पीड से आप कोई काम कर रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी कोई काम कर रहे हो। कॉन्वर्सेशन मतलब क्या होता है, कॉन्वर्सेशन बातचीत, वार्तालाप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सीक्रेट मीटिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एंटोनिम आपको चूज करने हैं, ठीक है, लिस्ट दोनों दी हुई है और मैच कर लीजिए सबके एंटोनिम। पहला शब्द आता है आपके सामने जनरलाइज। जनरलाइज करना मतलब सबको एक ही कैटेगरी में, अंबानी हो चाहे गरीब हो, भीख मांग रहा है, सबको एक ही कैटेगरी में डाल दो, ठीक है, नेता हो नगरी हो, सबको एक ही में डाल दो। तो जनरलाइज करना मतलब एक जैसे सबको ट्रीट करना। कंप्लायंस, कंप्लायंस क्या होता है, अनुपालन करना। अब कहोगे अंग्रेजी कठिन है, हिंदी और कठिन, अनुपालन क्या हम समझे। अनुपालन मतलब होता है आदेश का पालन करना, ठीक है। मैंने बोला कि कल आप इतना चैप्टर पढ़ के आएंगे, तो अगर आप पढ़ के आए तो आपने मेरे आदेश का कंप्लायंस किया है, ठीक है, आपने कंप्लाई किया है उस आदेश से, ओके। तो कंप्लायंस मतलब अनुपालन करना। इनोसेंट आपको पता है, मासूम है जो, ठीक है, इसी का भी एक शब्द आपने क्या पढ़ा था ऊपर, गलीबल है, नाइव है ना। फॉरगिवनेस मतलब फॉरगिव करना, माफ करना, फॉरगिवनेस मतलब माफी वाली जो भी आपकी क्वालिटी है, ओके।
अब देखो, जनरलाइज करना मतलब सबको आपने एक ही जैसे ट्रीट किया था, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसोबीडियंस, गिल्टी, स्पेशल रिटेलिएशन, किसी को स्पेशल फील कराओ, अरे अंबानी साहब आए हैं, पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी। तो ठीक है, तो स्पेशल हो गया जनरलाइज का, स्पेशल हो गया उल्टा। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस, कंप्लायंस अनुपालन करना, तो उसका उल्टा मैं नहीं मान रही तुम्हारी बात, क्या हो जाएगा? डिसोबीडियंस, है ना। कंप्लायंस का क्या हो जाएगा? डिसोबीडियंस। बी का पहला देख लो कहाँ पे है, अच्छा दो जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। और ए का तीसरा फिर से दो जगह है। ये देखो ऊपर वाले दोनों तो कट गए, नीचे वाले दोनों का कंपटीशन चल रहा है। इनोसेंट है, तो इनोसेंट मतलब कोई निर्दोष है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? गिल्टी है। तो ये क्या हो जाएगा? सी का दूसरा, कहाँ पे दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, यही ऑप्शन है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। फॉरगिवनेस मतलब माफ कर देना। रिटेलिएशन क्या होता है? अभी हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल क्या, अक्टूबर में आपने देखा कि जो हमास एक टेरर ग्रुप है उसने इसराइल पर 5000 मिसाइल से अटैक किया। ठीक, तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा अटैक के बाद इसराइल ने क्या किया? रिटालिएट किया। रिटालिएट मतलब अब इस हमले का मैं बदला लूंगा। ठीक है, तो रिटालिएशन मतलब बदला लेना। फॉरगिवनेस का उल्टा क्या हो जाएगा? रिटालिएशन। तो ऑप्शन फोर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर वट एवर इट वॉज 19। ठीक है, आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या करना है आपको? सिनोनिम मैच करने हैं, दो लिस्ट वापस से दिए हुए हैं और सिनोनिम मैच करने हैं। पहला शब्द है डिटेक्ट करना। डिटेक्ट, कोई बीमारी है आप में डिटेक्ट हुई है, मतलब पकड़ में आ चुकी है, पता चल गया है कि हाँ भैया ये बीमारी है अंदर अंदर। ठीक है, आप जिसको खाली सर दर्द समझ रहे थे वो तो आपको ब्रेन कैंसर दे गया। ठीक है, ओके। डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बताने की जरूरत ही नहीं है, है ना, डिफरेंस अलग अलग चीज़ है। ठीक है, अंतर है तो वो क्या है? डिफरेंस है। बिग बताने की जरूरत है क्या? कैच पकड़ना, ये भी नहीं बताने की जरूरत है। उल्टा इधर देखेंगे, सिनोनिम ही बताने आपको, वास्ट बड़ा, बिग का वास्ट, सी का पहला, देख लो कहाँ है, ये कट गया, ये बचा, ये बचा, ये बचा, चलो एक तो एटलीस्ट गया। फिर देखते हैं, देखो डिटेक्ट करना यानी पता चली आपके अंदर कोई बीमारी है, इस बीमारी की खोज हो गई आपके अंदर, यानी डिस्कवर हो गई। ए का हो गया दूसरा, कौन गया? ये भी गया, ये भी गया, बचा क्या? ऑप्शन थ्री। ठीक है, ऑप्शन थ्री हो जाए करेक्ट आंसर, फिर भी देख लेते हैं। डिटेक्ट का हो गया डिस्कवर। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अलग अलग, भिन्नता है। ठीक है, तो उसी का सिनोनिम आता है डिस्टिंक्शन भी। आपको पता नहीं अब मिलता है कि नहीं मिलता है, जब आप बोर्ड्स में 75+ मार्क्स गेन करते हो तो आपको डिस्टिंक्शन मिलता है, पास विथ डिस्टिंक्शन, यानी भैया इस सब्जेक्ट में तो एकदम बहुत बढ़िया किए हैं, एकदम मलग से बढ़िया किए हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंस का हो जाएगा, बिग हो जाएगा, वास्ट का, और कैच हो जाएगा, कैच करना मतलब पकड़ना, तो उसका क्या है? सीज दिख रहा है। सीज मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे कि दिवाली के टाइम में नकली मावा सीज किया पुलिस ने, सीज किया मतलब जब्त कर लिया। ठीक है, तो कैच करना, पकड़ना, सीज करना भी वही पकड़ना या जब्त करना। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस, आई होप समझ आए होंगे एंड आई होप ये इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, ये पढ़ने का तरीका, इस तरह से मीनिंग्स को याद करने का तरीका। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ऐसे बहुत ढेर सारे सेशंस, इंटरेस्टिंग सेशंस एक्चुअली आने वाले हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे डेली के अपडेट्स आते हैं, हमारे वीडियोस आती हैं, वो आप तक समय पर पहुंच जाएं और थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सके आपके लिए। ठीक है, और टारगेट गुरुकुल का ऐप आप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, और यहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आरंभ बैच मिल रहा है फॉर CUET 2024, जहाँ पे इंग्लिश का कोर्स कवर हो चुका है, बाकी भी धीरे धीरे हो ही रहे हैं और हो जाएंगे टाइम पे, तो अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, नहीं करना एक बार आके देखो तो सही क्या क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। बाकी आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।